A number is selected from 2, 4, 4 क्या मतलब है? हाँ जी, द नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम दिस, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज योर एवरेज, मींस एवरेज नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। पहले इसकी एवरेज निकाल लो। एवरेज मींस मीन। मीन क्या होता है? मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फाइंड करो मीन, जो मीन आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। ठीक है, करो फाइंड मीन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसकी प्रॉबिलिटी निकालो। नो डिस्कशन, आप सोचो एग्जाम में आया, मैंने करना है कैसे करना है अपने आप देखो। मीन क्या आ रहा है? 6 की प्रोबेबिलिटी, 3 है ना फेवरेबल आउटकम। ठीक, नेक्स्ट करो। मीन आ रहा है 6, प्रोबेबिलिटी आ रही है 3/10। क्या हुआ गरिमा, डाउट है? बताओ क्या कह रही है? मीन नहीं आया? हाँ जी, एन कर लिया सॉल्व? अभी डाउट है, फिर कैसे बताएं आंसर? जब श्योर हो जाओगे तब बता देना। रिविता आंसर बोलो, सेकंड क्वेश्चन का क्या आ रहा है? हाँ जी जल्दी करो, वेट कर रही हूं मैं आपकी, आपने बताना है आंसर। आर यू श्योर? धवनेश क्या आ रहा है आंसर?
हाँ जी निकाला है कि आ रहा है? ठीक आ रहा है ठीक है। मैं तो बता रही हूँ लेकिन आपकी बात से लग रहा है आपको कॉन्फिडेंस नहीं। आपने सॉल्व किया तो बोलो ना कि मैम 30 है आंसर। ठीक है फिर चलो हो गया 30 है। हम खुद ही डाउट है हमें अपने किए हुए पे। दिविता आ रहा है आंसर? सच में आ रहा है? दिखाना जरा। क्या लिखा है? येलो। येलो बॉल इज 5 टाइम्स दैट ऑफ द ग्रीन। एन क्या है? 30 कैसे आ रहा है आपका? अभी आंसर तो आया नहीं। एक्स रेड, 2x वाइट, 3x ब्लू, ब्लू ब्लू 3x ब्लू। एन ऊपर वो आ रहा है ना, 30 आ रहा है ना, नीचे तो टोटल आउटकम है इसलिए वो 30 है। हाँ जी हाँ जी ये आवाज ना आए बिल्कुल भी। सब अपने अपने सम्स अपने आप सॉल्व करो। ए बैग कंटेन 24 बॉल्स ऑफ विच एक्स आर रेड, 2x आर वाइट, 3x आर ब्लू। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट और ब्लू। क्या करेंगे? सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे। टोटल बॉल्स किसके इक्वल है? एक्स आ जाएगा, 4 आ गया, पुट कर दो। 4 आ गई रेड, 8 आ गई वाइट, ब्लू आ गई 12। वाइट और ब्लू और का मीनिंग क्या है? दोनों को प्लस करके कॉमन माइनस। कॉमन तो हो नहीं सकता व्हाइट और ब्लू में। व्हाइट कितनी है? 8। ब्लू कितनी है? 12। कितनी हो गई? कितना हो गया? 20/24। कटिंग कर दो 5/6। और इफ अगर कॉमन होता तो माइनस कर देते हैं, लेकिन नहीं है ना। और के केस में दोनों की प्रोबेबिलिटी प्लस, कॉमन वाली माइनस। कॉमन है नहीं, अगर होता तो जरूर माइनस करते, ठीक है? याद रखना है। और एक होता है एंड। एंड मीन्स ओनली कॉमन। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, जो कॉमन है, ठीक है? और का मतलब होता है यूनियन, जिसमें प्लस भी करते हैं और कॉमन वाला माइनस करते हैं। क्या हुआ? ऑड है, ऑड है तो मिडल मोस्ट टर्म इज द मीन। कुछ करना ही नहीं है। अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर व्हिच इज ऑलरेडी अरेंज्ड। नाउ टेक द मिडल मोस्ट टर्म दैट इज मीडियन। और इफ इट इज इवन नंबर ऑफ टर्म्स देन कोई फॉर्मूला नहीं लगाना बच्चे, ऐसे ही होता है। क्या होता है बोलो देविता, क्या होता है?
एड द टू मिडल मोस्ट टर्म एंड हाफ, मेक हाफ ऑफ इट, दैट इज मीडियन. अगर ऑड है, ऑड है ना, कितनी टर्म्स हैं, इधर से थ्री टर्म्स कट कर दी, इधर से थ्री कर दी, टू कट कर दी, ये कट कर दी, ये भी कर दी, क्या बच गया, सेवन इज द मीडियन. और अगर ये ऑड इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती तो बीच में दो टर्म्स बच जाती, दोनों को प्लस करके उसका हाफ, वो मीडियन होता. मीडियन, मीडियन मतलब सेवन की प्रोबेबिलिटी बतानी, सेम है जैसे एवरेज या मीडियन है. ये हो गया, कर दें रब. हाँ जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो टर्म मैक्सिम मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग था, दैट इज मीन. मॉड मीन इज कॉल्ड द एवरेज, दैट इज मीन. एवरेज और अर्थमेटिक मीन एक ही होता है. मीडियन जो है आपके पास, दैट इज द मिडल मोस्ट टर्म ऑफ द सीरीज. ठीक है, इवन है तो दोनों का प्लस करके हाफ, ऑड है तो मिडल मोस्ट टर्म, और मॉड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग टर्म. इसकी मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग टर्म कौन सी है, नाइन, तो इसका मॉड होगा नाइन. नाइन की प्रोबेबिलिटी पूछे आपसे तो फाइव बाय जितने भी है. ठीक है सर, इस टाइप का क्वेश्चन आपकी बुक में है जो मैं ये लिख रही हूं. ध्यान से करना, मैंने कोई हेल्प नहीं करनी, आप खुद करोगे. और इजी है, टेबल बनवाया था ना आपको, टेबल बनवाया था ना वो डेज वाला, दो फ्रेंड शाम और एक था मार्केट, ट्यूजडे वाला, ऐसे वाला, ऐसी है सेम. और भी था ऐसे टेबुलर फॉर्म में, एक्स लिख लो इधर, वाई लिख लो इधर, मल्टीप्लाई करके टेबल बना लो और आंसर दे दो. ठीक है, अपने आप करना, मैंने नहीं बताना. इसलिए बता रही हूँ कि जब दो चीजों का कॉम्बिनेशन आता है वो टेबुलर फॉर्म वाला क्वेश्चन होता है. ठीक है, वैसे ही करना है जैसे मंडे ट्यूजडे वाला किया था ना, वैसे ही ऐसे ही प्रोडक्ट निकालो दो दो टर्म्स का. एक्चुअली प्रोडक्ट वर्बली भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक टर्म को सबसे करना है तो टेबल बनाना इजी हो जाएगा. अच्छा ये कर लिया, ये तो बताया नहीं आपने. मिट्टी बोलो 2/5. क्या करना है इसमें, मल्टीपल ऑफ फोर और फाइव, और मीन्स दोनों का ऐड कर. पहले फोर के मल्टीपल लेने हैं, फिर फाइव के लेने हैं, फिर कॉमन वाले जो है ना मल्टीपल को माइनस करने. आंसर इज 2/5. डन. अंकिता, माधव, कोई पढ़ी लो जब आ गए हो तो. आपको मन नहीं करता पढ़ने का, मैं तो आपसे पूछ, कहता क्यों, मैं पढ़ नहीं रही, मैं क्या कर रही हूँ, मैं, आप अपने हाथ देख रहे हो, क्या हुआ हाथों पे आपके, फिर काम तो कर नहीं रहे आप, सम ही कर लो कोई. इतने सारे में से आपने एक भी सम नहीं किया अपने आप, और सबसे इजी चैप्टर है पूरी बुक में से, इसमें तो फ्री के नंबर हैं. किसका, हाँ जी, कोई बोलेगा नहीं, अपने आप करो, ये क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं. मैं ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही, कार्ड्स का ही क्वेश्चन है. ठीक है, ऐसे लिख रही.
पता है? यही तो सोचने वाला है। ऐसी फैमिली जिसमें थ्री चिल्ड्रन है, ठीक है, थ्री चिल्ड्रन है मतलब थ्री पॉइंट्स का केस करते, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन। हेड 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 टेल हेड, यहाँ पे बॉय 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 गर्ल बॉय, ठीक है। नहीं, फैमिली ऑफ थ्री चिल्ड्रन, हमने ऐसी बॉय वाले बॉय मतलब बच्चों की प्रोबेबिलिटी बने वन बॉय, अगर वन बॉय है तो टू गर्ल्स होंगी डेफिनेटली, ऐसे मुझे ऐसे वाला केस करना। फैमिली ने पेरेंट्स का तो कहीं इसमें बॉय गर्ल का देखना है ना, फादर मत करो, पूरा केस बनाओ जैसे जैसे थ्री कॉइन का केस होता है, HHH HHT, ऐसे टोटल आउटकम्स कितनी आएंगी, एट, टोटल आउटकम्स एट, ठीक है, एटलीस्ट वन बॉय, फैमिली में कम से कम एक बॉय होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तीन होने चाहिए, मतलब वन बॉय टू बॉय थ्री बॉय। अच्छा वन बॉय का मतलब क्या है, टू गर्ल, मतलब सिर्फ वन बॉय का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वन बॉय मतलब टू गर्ल्स वाला क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है, तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। एक ही केस रिमूव करना है, मतलब ऐसा केस जिसमें बॉय है ही नहीं, जीरो बॉय, मतलब क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन मतलब पॉइंट्स के साथ रिलेट करके वैसे वाले टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नहीं किया आपने, क्या कर लिए, कर लेना था। तो करो इस केस में ऐसे लेना है, मैं वैसे हिंट दे रही हूं, बस आप अपने आप ही करोगे, बॉय बॉय एटलीस्ट वन बॉय, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा दो, फिर तीन, तीन तक ले सकते हो, मतलब जीरो बॉय वाला माइनस कर दो, ठीक है। तो टोटल एट केसेस हैं, वन को रिमूव कर दो, 7/8, एट केसेस है ना टोटल, उसमें से एक रिमूव हो गया, 7/8, ईमानी आ गया, आ जाओ इधर, ठीक है, क्लियर है, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि जब एकदम आता है ना तो स्ट्राइक नहीं करता, कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें ये लगता है अच्छा फैमिली तो दे नहीं रखी, नंबर ऑफ फैमिली, ठीक है ना, क्योंकि नाइन्थ में भी जब हम ये क्वेश्चन करते हैं वहां पे दे रखा होता है इन्हें सर्वे ऑफ इतनी फैमिली, ये क्वेश्चन है ना वहां पर कि 2000 फैमिलीज में सर्वे किया, उसमें 400 फैमिलीज में वन, ऐसे करके क्वेश्चन है, तो हम उसको उसके साथ कंपेयर करते हैं, पर ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ये वाली टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि टोटल फैमिली तो दे ही नहीं रखी, तो आप मतलब टोटल फैमिलीज की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे, आप वो वाली फैमिली देख रहे हो जिसमें थ्री चिल्ड्रन में से एटलीस्ट वन बॉय है, ठीक है, मतलब फैमिली की प्रोबेबिलिटी नहीं, चिल्ड्रन की प्रोबेबिलिटी है ये, वो वहां पर जो क्वेश्चन था वो फैमिली की प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, 7/8 है इसका आंसर, 3/ चलो मैंने देखा नहीं, आप 3/ अच्छा ये समझ आ गया, एक्स स्क्वायर मतलब ईच नंबर का स्क्वायर करना है, -3 का स्क्वायर 9 4 1 0 1 4 9, और 4 से लेस वाली प्रोबेबिलिटी देखनी है, टोटल कितनी है 7, कितने हो गए, कितना आ रहा है आंसर बोलो, 3/7, ऐसे नंबर्स जिनकी प्रोबेबिलिटी लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 4 है, ये हो गया था इसका आंसर, इसका आंसर 6। अच्छा ये कर लिए पहले, ठीक,
1 by माने टेंशन लेती है बहुत ज्यादा। क्या हुआ ये क्वेश्चन? कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना, उसके बाद स्टार्ट करना और पूछना नहीं, ठीक है? अपने आप करो, कोई बात नहीं, गलत ही होएगा ना, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ट्राई करो। कम सबसे पहली प्रॉब्लम एक ही है, हम क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, कम से कम 2 या 3 बार रीड करो, उसके बाद आंसर की तरफ मूव किया करो, अगर चाहते हो कि मार्क्स ना कटे तो, ठीक है? और कंफर्म करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद, पहले रीड करो खुद। कैसे? नहीं पहले आप बताओ कैसे, पहले आप बताओ, आज आपकी बारी है। मैं तो रोज ही बताती, मैंने तो कभी ये कहा ही नहीं। कैसे सोचा है वही तो पूछ रहे हैं, बोलना ही है। क्या हुआ यहाँ कौन सी? हाँ जी ठीक है, मतलब कि जितनी बार भी वो बोलता है ना, टोटल सपोज करो 4 बार बोलता है, 4 में से 3 बार वो सच बोलता है, मतलब 1 बार झूठ बोलता है। He throws a die and a number other than 6 comes up. 6 से अदर नंबर आया, मतलब 6 नहीं आया, 1 2 3 4 5 6 नहीं आया, मतलब 5 में से कोई नंबर आया। कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रिपोर्ट्स इट इज अ 6, तो झूठ बोल रहा है ना, 6 तो आया नहीं, क्या आया है? 1 2 3 4 5 में से कुछ आया है, लेकिन वो कहता 6 आया, वो झूठ बोल रहा है ना, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। और अगर वो कहता कि 6 ही आया और वो बोल रहा है 6 ही है, तो ट्रुथ बोल रहा है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। ये क्वेश्चन और है ऐसा सेम, ठीक है, थोड़ा वे भी अलग है, लिखो लिख लो, वो लिखना पड़ेगा, सेम ऐसा क्वेश्चन है। ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 5 out of 7, 7 में से 5 बार सच बोलता है, तो झूठ कितनी बार बोल रहा है? 2 बार। लिखो, ही ड्रॉज अ फेस कार्ड, ही ड्रॉज अ फेस कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रिपोर्ट्स इट एज अ फेस कार्ड, ही ड्रॉज अ फेस कार्ड एंड ही रिपोर्ट दैट इट इज अ फेस कार्ड, ठीक है? उसने कार्ड निकाला, फेस कार्ड निकला, और वो क्या, उसने बोला भी सच है, फेस कार्ड ही है, ठीक है, झूठ तो नहीं बोला ना, तो 5/7। और अगर फेस कार्ड ने निकाला, फेस कार्ड होता, और वो बोलता ही रिपोर्ट दैट इट इज नॉट अ फेस कार्ड, 2/7, ठीक है? सच बोल रहा है तो सच की बता देना, नहीं बोल रहा तो झूठ की लिख देना, ठीक है? ऐसे टाइप के ना, मतलब ऐसे और वैरायटी थोड़ी और दे रखी है, ऐसी क्वेश्चन है। इट डाइज इन द शेप ऑफ टेट्राहेड्रन। अच्छा टेट्राहेड्रन क्या होता है? ये तो फिगर है, तो मुझे भी पता फिगर है, है? पिरामिड है, ट्रायंगुलर पिरामिड है, ट्रायंगुलर पिरामिड विद ऑल द फेसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल इज नोन एज टेट्राहेड्रन। ऐसे होता है ना, ये देखो मैं इसका नेट बनाती हूँ, ये ट्रायंगल है, उसके ऊपर भी ऐसे हर बेस पे ट्रायंगल बन रहे हैं, सारे ट्रायंगल्स को कंबाइन कर दिया, ऐसे बन जाएगा कंबाइन होकर, इसके बीच में बना देती हूँ, बात एक ही है, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, बेस वाला ट्रायंगल, एक इसके पीछे वाला बड़ा ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल हो गए, ये उसका नेट है, ये नेट हो गए, ये टेट्राहेड्रन है,
ट्रायंगुलर पिरामिड को टेट्राहेड्रन कहते हैं, लेकिन सारे ट्रायंगल्स इक्विलेटरल होते हैं, सारे बिल्कुल इक्वल डायमेंशन के होते हैं, इसलिए टेट्राहेड्रन। अब टेट्राहेड्रन दे रखा है मतलब ये दे रखा है कि बना हुआ फिगर, ठीक है, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी आपसे, दिया हुआ जाओ, वन टू इसको डिवाइड, ये आ गया थ्री और यहाँ फोर, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ए डाई इज इन द शेप ऑफ टेट्राहेड्रन एज शोन ऑन ईच फेस, वन ऑफ द नंबर वन टू थ्री और फोर इज रिटर्न, दिस डाई इज टॉस्ड, इसको टॉस किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब सपोज इसकी फिगर ना आए तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि कैसे है। एक्चुअली फोर फेसेस है ना, आप नेट बना लेना, फोर फेसेस है ना, वन टू थ्री फोर, ऐसे है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये प्राइम नंबर देगा? प्राइम नंबर कौन सा है? टू थ्री, टू बाय फोर, वन बाय टू है। अच्छा ऐसे कहीं लिस्ट द आउटकम्स ऑफ प्राइम नंबर, तो लिस्ट द आउटकम्स 2, 3, मतलब आउटकम्स मेंशन करनी है, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा, लिस्ट द आउटकम्स कहे तो 2, 3 लिखना। द नंबर विच इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 1, लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी नहीं आउट, 4। A letter is chosen at random from the letters of, a letter is chosen at random from the word ठीक है, काउंट कर लो कितनी है, अल्फाबेट्स काउंट कर लो जरा कितने हैं, ठीक है 13, टोटल आउटकम 13 होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्ड द लेटर इज अ वोवल, मैंने क्या बोला द, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चोजन इज अ वोवल इज इन द फॉर्म ऑफ 6 upon 2x plus 1, find x, attendance लिख लो।